हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आप उसको लिख सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझ में, चाहिए वाला सेंटेंस है, मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए बेसिकली, तो शुड वाला सेंटेंस है, करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जो जहाँ पर चाहिए एक्शन की तरह ट्रीट हो वहाँ पर शुड का सेंटेंस है। ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये हो गया एक्शन। अगर दूसरा चाहिए क्या होता है, मैंने बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, दोनों सेंटेंस चाहिए वाले बने, लेकिन दोनों सेंटेंस में फ़र्क है। एक में मुझे कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग, आई वॉन्ट समथिंग, ठीक है। दूसरा है तुम्हें ये करना चाहिए, तो एक जिसमें एक्शन नहीं है, दूसरा जिसमें एक्शन है। अब जिसका एक्शन सेंटेंस है, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस है उसका पैसिव भी होगा। ठीक है, तुम्हें दीवार पेंट करनी चाहिए, यहाँ डूअर आ गया कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। दीवार पेंट हो जानी चाहिए, कौन करे मेरे को लेना देना नहीं है, काम प्रायोरिटी है, ये हो गया पैसिव सेंटेंस। ठीक है, सेम यहाँ पर, हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, कौन करेगा उस चीज़ की प्रायोरिटी नहीं है, बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंटेंसेस होते हैं शुड बी वाले। ठीक, शुड बी, पैसिव का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले वो चीज़ जिस पर काम होगा या होता है या हो सकता है या हुआ था, ठीक है, फिर मेन वर्ड आ जाएगा, फिर जो एक्शन परफॉर्म किया गया है या किया जाएगा वो एक्शन की थर्ड फॉर्म। सिंपल है। अब जैसे चाहिए वाला सेंटेंस हो, मैं बोलूं कि उसे सिंपल सी चीज़ है, दीवार पेंट हो जानी चाहिए, कौन करेगा मेरे को नहीं पता, किस पर काम होगा, दीवार पर, द वॉल। फिर आएगा मेन वर्ड शुड बी, उस पर क्या काम होगा, पेंट का, पेंटेड, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, सो द वॉल शुड बी पेंटेड, कि भाई दीवार पर पेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका अगर नेगेटिव बनाओगे सो शुड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, बस द वॉल शुड नॉट बी पेंटेड, भाई दीवार पर पेंट होना नहीं चाहिए। ऐसे सेम यहाँ पर, हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब किसके साथ काम नहीं होना चाहिए, हमारे साथ, वी, मेन वर्ड लगा शुड बी, एक्शन क्या है, बर्ताव करना, मतलब ट्रीट। ठीक है, हमें ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, ऐसे, सो वी शुड, वी लगा किस पर काम होना है, फिर मेन वर्ड शुड बी, एक्शन क्या है, ट्रीट, उसकी थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड इस तरह से या उस तरह से, लाइक दैट। अब नेगेटिव है तो शुड और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, सो वी शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दैट, हमारे साथ ना ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, सब मेरी ही वजह से यहाँ आए हैं। ठीक है, अब एंड में सेंटेंस के या है, जी है, ए है, ई है, चुका है, चुकी है, ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके परफेक्ट सेंस में जाते हैं। बेसिकली परफेक्ट का मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो सिंपल है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो परफॉर्म तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका असर अभी भी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। रटना नहीं है, या है, ये है, चुका है, चुका, रटना नहीं है, तो सिर्फ एक तुम्हारी हेल्प के लिए हो गया। लेकिन अगर समझने वाली बात है तो सेंटेंस हुआ पास्ट में लेकिन असर अभी भी है। ठीक है, सब मेरी वजह से यहाँ आए हैं। अब जो आए हैं बेसिकली आए तो पास्ट में थे लेकिन असर अभी भी है। क्या असर है, कि वो यहीं पर हैं, ये असर है कि वो यहीं पर हैं। ठीक, सो एवरीवन हैज़ कम हेयर, तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर कौन है, हर कोई, सब मेरी वजह से, सब, सो एवरीवन, मेन वर्ड, अब एवरीवन, समवन, नो वन, ये जो होते हैं सिंगुलर ट्रीट होंगे ना कि प्लूरल, सो सिंगुलर क्या है, एवरीवन, उसके बाद हैज़, एक्शन क्या है, आना, कम, कम की थर्ड फॉर्म लगेगी, कम ही होती है, परफेक्ट सेंटेंस तो थर्ड फॉर्म, सो एवरीवन हैज़ कम हेयर, मेरी वजह से। ठीक है, किसी की वजह से जब वाली बात आ रही तो बिकॉज ऑफ का आप यूज़ करोगे, सो बिकॉज ऑफ मी, सो एवरीवन हैज़ कम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ मी, सब मेरी वजह से यहाँ आए हैं। अब ये कह रहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो, मतलब इतने टेंशन में क्यों हो, क्यों परेशान हो, वो वाली बात। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, टेंशन में है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, सो तुम इतनी चिंतित क्यों हो। क्वेश्चन सेंटेंस आ गया, क्वेश्चन ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, अगर डूअर और एक्शन होते तो डूअर एक्शन आते, वरना हम किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है, क्यों है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं और फिर वो अगर क्वेश्चन कहाँ है तो वो कोई वो चीज़ कहाँ है, कब है, वो चीज़ आएगी। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्यों, वाई, मेन वर्ड, और, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, अब वो क्या है,
टेंशन में, टेंस. सो वाई आर यू टेंस या फिर वाई आर यू वरीड सो मच, इतनी ज़्यादा. पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, तुम इतने चिंतित क्यों हो. सो वाई आर यू वरीड सो मच, कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा. ठीक है, कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा. ठीक, अब अगर यहाँ पर एनी वन का यूज़ करोगे तो नॉट लगेगा, वरना एनी वन और नॉट को मर्ज करके नो वन, कोई नहीं, कोई नहीं मेरे पास एक डूअर है नो वन. तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, नो वन मेन वर्ड विल. एक्शन क्या है यहाँ पर, करना एक्शन नहीं है, एक्शन है हिम्मत करना, मतलब डेयर. सो नो वन विल डेयर टू डू दैट, ऐसा करने की. अब करने में नानी ने का सेंस आया तो टू का यूज़ हुआ. ठीक है, नो वन विल डेयर डूइंग दैट, अगर ये लगाओगे ये भी सही है, अगर टू ना लगाओ और आईएनजी लगा दोगे वो भी सही है. ठीक है, ये सेंटेंस है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट का. पूरा सेंटेंस क्या बना, कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, नो वन विल डेयर टू डू दैट. कोई करे तो बस मुझे बता देना, कोई करे तो बस मुझे बता देना. अब ध्यान से समझना ये सेंटेंस, अगर कोई करे, इफ यदि अगर फ्यूचर का सेंटेंस आया, ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंस के साथ आया, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में बनेगा. ठीक, सेंटेंस है फ्यूचर का, लेकिन उसमें इफ यदि अगर ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, ये होगा तो कैसे होगा, अगर एक कंडीशन वाली चीज़ आ जाए ना फ्यूचर में, तो वह इंडेफिनिट फॉर्म में सेंटेंस बनाओगे. ठीक है, कोई करे तो यहाँ पर अगर छुपा हुआ है, बेसिकली कोई करता है, अगर कोई करता है तो अगर के लिए इफ, कोई करता है, ठीक है, कोई करता है. अब कोई के लिए एनीवन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है. डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है, कोई, एनीवन. मेन वर्ड क्या लगेगा, डस. एक्शन क्या है, करना, डू. डस छुपा डू में, क्या बन गया, डस. सो इफ एनीवन डस, अगर कोई करता है तो बस मुझे बता देना. बस के लिए जस्ट लगाया, मुझे बता देना. एक तो हो गया जस्ट टेल मी, ये भी सही है. दूसरा लेट मी नो, एक कैजुअल फॉर्म है, मुझे बता देना, लेट मी नो, इस तरीके से. ठीक है, लेट मी नो को टिपिकली जाकर देखोगे तो मुझे जानने देना वो वाला सेंस आएगा, लेकिन ऐसे बहुत आपको सुनने में मिलेगा, लेट मी नो, मुझे बता देना. ठीक, तो कोई करे तो बस मुझे बता देना. इफ़ एनीवन डज जस्ट लेट मी नो, ये करिए. हाँ, जैसे तुम तो गुंडे हो ना, अब ये सेंटेंस समझना. ठीक है, हाँ, जैसे तुम तो गुंडे हो ना, इस जो जैसे और ना, ये जो दो सेंसेस आते हैं, ये जो जैसे और ना, यहाँ जैसे कि ये है ना, जैसे कि वो है ना, ऐसा, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एज इफ. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अरे जैसे कि वो तो डीएम है ना, एज इफ ही इज़ अ डीएम, ऐसे. ठीक है, जैसे कि एज इफ तुम गुंडे हो, बस ये लगाओ, जैसे कि तुम गुंडे हो. ठीक है, ना वाला दिमाग से हटा दो. ठीक है, ना के लिए अगर एंड में चाहो तो राइट लगा सकते हो, एज इफ यू आर अ गून, राइट, ये बोल सकते हो, ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एज इफ तुम गुंडे हो, ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. फॉर्मूला सिंपल रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड, आर. अब तुम क्या हो, एक गुंडे, अ गून. ठीक है, गून. सो हाँ, जैसे तुम तो गुंडे हो ना, या एज इफ यू आर अ गून, एंड में राइट लगाना चाहो लगा सकते हो. सब तुमसे डरते हैं ना, अब यहाँ पर लगा दिया राइट. ठीक है, सब तुमसे डरते हैं. अब इस सेंटेंस में ये अगर चाहो, ये सेंटेंस आप एक्शन की फॉर्म में बना सकते हो. ठीक है, डरते हैं, मतलब एक कंडीशन में चले जाते हैं, तो गेट स्केयर, गेट स्केयर, इसका आप यूज़ कर सकते हो. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा, सब डरते हैं, ताहे तीहे ते हैं आ रहा है, और जर्नल एक चीज़ आ रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में चला जाएगा. डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन होता, एवरीवन. मेन वर्ड लगेगा डस, एक्शन है गेट स्केयर्ड, डर जाना. ठीक है, डस छुपता गेट के अंदर, और क्या बनता, गेट्स, एवरीवन गेट्स स्केयर्ड ऑफ यू. ठीक है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. इसी सेंटेंस को, ठीक है, सब तुमसे डरे हुए हैं, डरते हैं, इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में ले गए. ठीक है, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ यू. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे को ना आग से डर लगता है, एक तो हो गया आई गेट स्केयर्ड ऑफ फायर. ठीक है, दूसरा हो गया भाई आई एम अफ्रेड ऑफ फायर. ठीक, दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक एक्शन वाला सेंटेंस है और एक नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है. ठीक है, सो तब तुम, सब तुमसे डरते हैं ना, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ यू, राइट, ऐसे ये करा, ऐसे ही समझो.
अब ये हम हिंदी में इस तरीके से बहुत बोलते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ समझो, ऐसे ही समझो। सो इस चीज़ का मतलब है कंसीडर लाइक दिस ओनली, ठीक है। कंसीडर का मतलब होता है मान लेना, ठीक है, इस चीज़ को मान लो, ठीक ठीक है। लेट सपोज वाली जो चीज़ होती है वही एक कंसीडर वाली चीज़ होती है, ठीक है, मान लेना। कंसीडर लाइक दिस, इस तरह से मानो, ओनली वो ही वाले सेंस को लेकर आया, ऐसे ही। सो कंसीडर लाइक दिस ओनली, हाँ ऐसे ही मानो, ठीक है। ये कह रहा है अब मूड ख़राब मत करो, कुछ पीने को लाओ। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही वो सेंटेंस हैं जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। पहला जो है मूड ख़राब मत करो, ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोला, अब के लिए नाव लगाया साइड में रख दिया। जो बचा हमारा मूड ख़राब मत करो, ये सेंटेंस है हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, वो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा हमेशा, ठीक है। सो डू नॉट क्या मत करो, मूड ख़राब, स्पॉइल माई मूड, स्पॉइल माई मूड। सो डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड ख़राब मत करो, डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड ख़राब मत करो, कुछ पीने को लाओ, ठीक है। अब कुछ लेकर आना, ठीक है, ये सेंटेंस चाहे इस तरह के कितने भी लंबे हो, शुरू जो होगा अगर नेगेटिव है तो डू नॉट से शुरू होगा, अगर पॉजिटिव है तो उस काम से शुरू होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने के लिए, पीने को लाओ, लाने जो एंड में चीज़ है एक्शन वो है लाना। सो लाने के लिए मैंने बताया गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो गेट मी, मेरे लाओ, गेट मी समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बना, अब मूड ख़राब मत करो, कुछ पीने को लाओ, नाउ डोंट स्पॉइल माय मूड, गेट मी समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, या फिर गेट समथिंग टू ड्रिंक फॉर मी, ऐसे भी बना सकते हो। ये कह रही है रोज़ पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो रोज़ पीना, पीने में एक नानीने का सेंस आया, टू ड्रिंक ये बिल्कुल सही है और ड्रिंकिंग ये सही है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। टू ड्रिंक डेली इज़ नॉट गुड फॉर यू, या फिर ड्रिंकिंग डेली इज़ नॉट गुड फॉर यू, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ बता रही है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। पीना मान लिया एक एक्शन है, लेकिन वो यहाँ पर बात हो रही है पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जो पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस में यहाँ पर पीने की बात नहीं है, बात यह है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो जब बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं है तो ये एक्शन नहीं हुआ, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और वो क्या नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, पीना, ड्रिंकिंग, रोज़ पीना, ड्रिंकिंग डेली, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या नहीं है, सॉरी इसके साथ आया नॉट, अब वो क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, गुड फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है। पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, रोज़ पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ड्रिंकिंग डेली इज़ नॉट गुड फॉर यू, ड्रिंकिंग डेली इज़ नॉट गुड फॉर यू। तुम्हें याद नहीं है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है तुम्हें याद नहीं है, अब देखो ध्यान से समझो, एक्शन में मतलब जो सेंटेंस है वो मैंने उस तरीके से हिंदी में खोल कर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से समझो ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें याद नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है हिंदी में, कंप्लीट होगा क्या तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भी ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्या भी शुरू में आ रहा है और नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। अगर सेंटेंस मतलब क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब एक मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, फॉर्मूला मेरा सिंपल है, सबसे पहले आता है मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, सबसे पहले मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, ठीक है। ऐसे क्या तुम्हें याद है, सबसे पहले क्या आएगा, डू, डू यू रिमेम्बर, ठीक है, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, इसी का नेगेटिव बनाया, डोंट यू रिमेम्बर, डू के साथ नॉट आ गया, ठीक है। डू नॉट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है, डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था। अब देखो ये जो सेंटेंस है स्टार्टिंग वाला, तुम्हें याद नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, क्या तुम्हें याद नहीं, ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन जो एंड में पूछ रही है ना, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था, ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड में पहले वाले सेंटेंस की वजह से, ना कि दूसरे वाले, जो दूसरा पार्ट है इस सेंटेंस का कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था, ये सवाल नहीं है, ठीक है। और जब इस तरीके का एक सेंटेंस आ जाए, जैसे मैं बोलूँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन सवाल भी अगर पूछोगे तो भी सेम आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है जी। सेम यहाँ पर, तुम्हें याद नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था, तो ये सवाल नहीं है, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस जब आए, क्वेश्चन वर्ड लगा दो सबसे पहले और फिर नॉर्मल सेंटेंस ले लो, डू और मेन वर्ड एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, क्या, डॉक्टर ने तुम्हें बताया था,
डॉक्टर ने तुम्हें बताया था। अब ये सेंटेंस पकड़ो सिंपल, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? डॉक्टर, मेन वर्ड लगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, एक्शन क्या है? टेल यू, तुम्हें बताया, डिड छुपा टेल में, टोल्ड बन गया, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बन कर आया, तुम्हें याद नहीं है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था? डोंट यू रिमेंबर व्हाट डॉक्टर टोल्ड यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर चाहो इसको सिंपल, अगर वैसे चाहो तो डॉक्टर हैड टोल्ड यू, ये भी आप बना सकते हो, ये पास्ट परफेक्ट बताएगा। डोंट यू रिमेंबर व्हाट डॉक्टर हैड टोल्ड यू, डॉक्टर तुम्हें क्या बता चुके हैं उस तरीके से, चुके थे क्या, बताया था वो वाला। तुम्हें रोज़ पीना बंद करना है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, ना है नहीं है, लेकिन ये वो ना है नहीं है नहीं है, ठीक है, जो एक अलग एक्शन में आता है, खेलना कूदना, ये वो ना नहीं है नहीं है, कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ होनी है, करनी है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, ठीक है, मुझे सोना है। तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये होते इंडेफिनिट फॉर्म में ही है, लेकिन एक्शन जो होता है एक्शन में नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, ये लगता है, बनेगा इंडेफिनिट में ही। जैसे तुम्हें रोज़ पीना बंद करना है तो एक्शन क्या है? बंद करना है, ठीक है। तो नीड टू स्टॉप, क्योंकि एक ज़रूरत आ गई, हैव टू स्टॉप भी लगा सकते हो, मजबूरी सी भी है कि मन तो है उसका, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत का सेंस ज़्यादा है, सो नीड टू स्टॉप। तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है? तुम्हें, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन है नीड टू स्टॉप, रोकना है, बंद करना है, ठीक है। डू छुपा नीड में कोई चेंज नहीं आया, सो यू नीड टू स्टॉप, तुम्हें रोकना है रोज़ पीना, रेगुलर पीना, पीना में नानीने का सेंस आया, यू नीड टू स्टॉप टू ड्रिंक रेगुलरली या फिर ड्रिंकिंग रेगुलरली, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बना? यू नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग रेगुलरली, तुम्हें रोज़ पीना बंद करना है, ठीक है। ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो, आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछे, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए, थैंक यू।